मैं तो मारूंगी। अरे बस कर दो, अपनी मारना है नहीं, गलती से गिरा है, गलती से। अरे अरे हेलो गाइस, वेलकम टू माय एनएस व्लॉग। मेरा नाम उमेर है। अगर आपको मेरी व्लॉग्स अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने भाई को। और हाँ, मेरी वीडियो को पूरा एंड तक देखा करो। तो फिर जल्दी जल्दी वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, अभी लग रही है मुझे बहुत जोर की भूख। अच्छा, और टाइम हो रहा है रात के 2। लेकिन 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 घर में नहीं है अभी कुछ भी। क्या बोला तूने? कुछ भी नहीं है। तो मैं अभी अम्मी से पूछ के बनाने वाला हूँ मैकरोनी। ये रहा नहीं जाता खुद से पहली दफा। अम्मी, आप मुझे जरा बस गाइड कर दें कि मैंने कैसे बनानी है मैकरोनी। बताएंगी या नहीं बताएंगी? बताऊंगी। कैसे बताएंगी? आप तो इतनी दूर बैठी हैं। नहीं, एक ग्लास पानी डालो कुकर में। कुकर में एक ग्लास पानी डालूं? हाँ। कहाँ है कुकर? कुकर कहाँ है? वो रख के सामने वहाँ रख दिया था। ओहो। सो गाइस, कुकर में फर्स्ट टाइम बन रही है मैकरोनी। सही है। और यह है कि अम्मी मुझे गाइड करती रहेंगी, बताती रहेंगी। भाई भूख लग रही है, क्या करूँ मैं, इतनी ज़ोर की भूख लग रही है। अब नहीं है कुछ तो मैंने यार मैकरोनी बनाए। और गैस भी नहीं है, रात में गैस नहीं आती, बंद हो जाती है, सुबह आएगी। तो सुबह तक का इंतज़ार नहीं हो रहा भाई मेरे से। अब मुझे चाहिए मैकरोनी, भूख लग रही, खाऊंगा तो मैकरोनी। भाई अम्मी ने कहा है कि एक गिलास पानी डालो पहले कुकर में। डाल दिया भाई। इसमें थोड़ा सा नमक डालो, ऑयल डालो। सो गाइस, ये आ गया हमारे पास नमक, ये आ गया हमारे पास तेल। अच्छा, सही है। अम्मी एक चुटकी बहुत है? एक चुटकी हो गया है नमक। और तेल कितना डालना है? सही है, हो गया। डिश सर्विंग स्पून कौन सा होता है? बड़ा वाला, सारा निकालने वाला चमचा। हाँ, तो उसके 2 चम्मच देने। हाँ, 2 चम्मच। A few moments later. Guys, मैंने मैकरोनी का डब्बा खोल लिया है, थोड़ी सी बची है मैकरोनी। तो आइए अब मैकरोनी डालते हैं। ओ, एक चम्मच, एक, दो, बस बहुत है। तीन, थोड़ी सी और डाल लो। ये चीज ऑन कर दूं? अच्छा, तेज पे चलाऊं या हल्के पे? हल्के पे चलाओ, गलाना है ना हमने तो इसको। चलो भाई, हल्के पे चला दिया अब हमने। अम्मी उसका ढक्कन लगा दो इस पे। हाँ, ढक्कन लगा दो, देखो उबले ना। नहीं नहीं, उबलेगी क्यों, उसमें सुराख होता है ना ढक्कन में। बात तो सही है, देखो ना ढक्कन में सुराख है तो वो उबलेगी क्यों। सो गाइस, मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है कि मैं मैकरोनी आज खुद बना रहा हूँ। और मज़े की बात क्या है कि अभी अभी तो कुछ भी नहीं बनी है, अभी तो सिर्फ उबाल रहा हूँ मैं इसको। अभी सारा मसला कहाँ पर आएगा? सारा मसला आएगा जब मैं इसकी प्यूरी बनाऊँगा। मसाला बनाना है मैंने, मसाला अम्मी से पूछ के। A few moments later. तो गाइस देखो, ये गल चुकी है और फूल भी चुकी है। और ये है कि थोड़ी सी बनी है, ये हमने थोड़ी सी बनाई है, सारी छन जाएगी। ये पानी निकालनी है आप इसका। अभी पानी निकालने के बाद क्या करेंगे आप? पानी निकालने के बाद ये मैंने निकाली पतीली, इसमें डाल दी। टमाटर यार अम्मी, बाबा तो ये तो बहुत थोड़ी सी नहीं बनी। तुम नहीं खा लेना। हम तो समझ रहे थे तकरीबन 2 अफरादों की बनेगी, तो बहुत थोड़ी सी। वो तो शर्म आ रही है, समझ रहे हो। और बना लो, है ना, बहुत थोड़ी है यार, थोड़ी सी और उबाल लो। उबाल लो ये, मतलब इसमें भी पूरी नहीं आई पतीली में। पानी डालो क्या? हाँ, थोड़ा थोड़ा सा उबालना पड़ेगा इसको। सो गाइस, हमने 4 चम्मच बनाई थी और ये है कि फिर भी कम पड़ गई और वो लगी थोड़ी सी रही है, तो इसमें तो मेरा पेट नहीं भरने वाला। हम समझ रहे, थोड़ी सी हमने बोला था थोड़ी सी बनाएंगे, लेकिन इतनी थोड़ी सी हद हो गई। बात तो सही है। सो गाइस, अम्मी ने इसमें थोड़ी सी और डाल दी है, और ये अम्मी ने नमक भी डाल दिया, और ये मैंने ऑयल भी डाल दिया। अब हम इसको उबलने के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि ये जल्दी उबल रही है माशाल्लाह, 5-10 मिनट में इसमें उबल गई थी। जल्दी जल्दी इसको उबालते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा थोड़ी सी है, इतने में तो हमारी दाल नहीं गलने वाली ना, गलत बात है ना ये।
ये बहुत थोड़ी सी है। A few moments later. तो गाइस ये है टमाटर जो कि अम्मी ने कट करके रखे हुए हैं। अब मैं इसको आधा अम्मी ने कट किया, आधा इसको मैं कट करूंगा। ओके जैसे मैंने काटी ऐसे काटे छोटे 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 कर रहा टमाटर है ना, छोटे छोटे काटो बारीक 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 बिल्कुल बारीक बारीक करो ताकि प्योरी बनाने में ना आसानी हो। उधर नजर रखना, इधर उधर नहीं, वो अभी उसको तकरीबन 10 मिनट है उबलने में। अच्छा अभी तो रखिए और बारीक करेंगे। आपने भी थोड़ा मोटा काटा है, जितना अच्छी कटिंग होगी टमाटर की उतनी अच्छा प्यूरी बनेगी। अभी ग्लैंड करके भी तो डाल सकते हैं हम, डाल सकते हैं ग्लैंड करके डाल दो। नहीं अब कटिंग कर रहे हैं तो कटिंग करेंगे, कर लो ग्लैंड, क्या मोटा मोटा काट के ग्लैंड कर लो। हाँ। सही है ये, ऐसी सही है। गाइस टमाटर हमारा कट चुका है बारीक बारीक टमाटर, और हमारे पास चिकन भी आ गई है। ये चिकन अभी अम्मी ने निकाली, इतनी चिकन हमारे लिए बहुत होगी। सही है, और टमाटर भी आ गया है, चिकन भी आ गई है। अब जो हमने जो अलग से मैकरोनी उबाल रहे हैं, क्योंकि ये मैकरोनी कम थी तो अब वो उबल जाए, उसके बाद फिर हम इसकी प्यूरी बनाएंगे। ओके बोलो ओके, और अगर खाने का मूड है तो आ जाओ हमारे घर पे। अच्छा एड्रेस बताऊं? नहीं नहीं बता रहा, जाओ। A few moments later. So guys, इसको चेक कर लेते हैं, इसमें से धुआं निकल रहा है। ओ हो 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 हो, लग रहा है ये उबल गई है। अम्मी आके जरा चेक कर लो। ओ हो, मेरा कैमरा धुंधला कर दिया इसने तो। देखो जरा। हाँ हो गई। एक निकाल के चेक करो। हाँ हो गई। गल तो गई है। गल गई है या थोड़ी सी और रखें? जरा सा एक 5 मिनट भी नहीं दो, एक इसमें भाप में गला लो ना इसको, थोड़ा बंद कर दो अभी। चलो 5 मिनट। 5 minutes later. So guys, आप धुआं देख सकते हैं कैसे निकल रहा है इसमें से धुआं। ओए होए मजा आ रहा है देखने में। तो अब हम इसको बंद कर देते हैं, बल्कि प्लग ही निकाल देते हैं। बटन थोड़ा हार्ड है इसका। ओए होए क्या भाप निकली है, ओए होए होए मरी लग रहा है ये तो। ये क्या बोला तूने? सो गाइस हमारी जो मैकरोनी है वो बन चुकी है, सॉरी मैकरोनी उबल चुकी है। सो गाइस अम्मी वही प्रोसेस कर रही है जैसे हमने पहले आपको दिखाया था, तो आप करें, हम ब्रेक लेते हैं। कुछ भी। सो गाइस देखो चिकन भी मैंने कट करके रख ली, टमाटर भी कट करके रख ली है, और ये अदरक लहसुन है ये भी कट करके रख लिया है। ये क्या बोला तूने? तू समझा? सही है, ये डायरेक्ट जाएंगे हमारे कुकर में। और हमारे पास पिसी मिर्च है, हमारे पास काली मिर्च है। सही है, ये सब अलग से डलेगा। सही है अम्मी ले लूँ कुकर? हाँ। सो गाइस देखो अब बनी है ना बिल्कुल प्लेट भर के। अब इसमें क्या है, अम्मी से भी शेयर कर सकता हूँ और खुद भी पेट भर के खा सकता हूँ। ये देखो तेल। ओहो भाई तेल डल गया भाई, तेल डल गया भाई, तेल डल गया भाई। अब इसमें डालेंगे हम चिकन और टमाटर। मेरे एक हाथ में है कैमरा तो अम्मी हेल्प करेंगी मेरी। शाबाश शाबाश लड़की शाबाश। चिकन चिकन जरा सा अदरक लहसुन का पेस्ट आएगा। ओके सही है। पीसी मिर्च, काली मिर्च। ओए होए 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 काली मिर्च कितनी डाली आप डालें? काली मिर्च इसी डालने के बाद डालना। सही है। अच्छा अच्छा चलो सही। अच्छा चिकन पाउडर, चिकन पाउडर भी बाद में डालना। चलो सही। पानी, टमाटर का पानी निकलेगा धीमी आंच पर पकाओ उसको। तो गाइस देख सकते हैं आप कितना मज़े का लग रहा है। ओए होए 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 ओए होए 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 होए। तो गाइस हमारा जो कुकर है ना वो थोड़ा यहाँ से आई थिंक ख़राब हो गया। देखो यहाँ से चीज़ें ना देखो गला रहा है, जला रहा है, दिख रहा है? ये हिस्सा हिस्सा आपको अलग ही दिख रहा होगा, ब्लैक 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 देखो अलग से दिख रहा होगा। देखो तो ये पता नहीं क्या हो गया, अब क्या कहें। मम्मी ले आई है पानी भाई, इतना बहुत है अभी पानी, इतना पानी बहुत है। बस इसको ढाल दो। ये भी दिया है, केचप और मायोनीज। ये इसमें डलेगी? हाँ इसमें डलेगी। सही है ना? तो डाल। अभी नहीं डलेगी जब सब्जी पक के वो डालेंगे। अच्छा अच्छा चलो भाई। 15 मिनट्स लेटर। सो गाइस 15 मिनट्स हो चुके हैं। ओए होए। सो गाइस देख सकते हैं इसकी प्यूरी बहुत मजे की बन चुकी है। अम्मी अब इसमें मैं समझता हूँ अब ये डाल ही देते हैं। ये नहीं इसके ऊपर डालेंगे। अच्छा इसके ऊपर डालेंगे। ओके ये ओए होए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
मैं तो कह रहा हूँ अलग पतीले में निकाल के नहीं डाल सकते। ओए हो, ये तो ज़्यादा हो गई, बस इतनी डाले भी हो गए। ओए होए, तो गाइस आप देख सकते हैं कितने मज़े की लग रही है ये मैक्रोनी। आप लोग को खाने का दिल चाह रहा होगा मुझे पता है, लेकिन मैं दूंगा नहीं, छील के रख दूंगा, क्योंकि ये मेरे और मेरी अम्मी की है। ओए होए, कैचअप थोड़ा सा था हमारे पास, इसलिए हमारे पास कैचअप की कमी है थोड़ी सी, और माइनस भी हमारे पास थोड़ी सी थी। पोच पाँच की निकाली अम्मी ने ये, लम्बी शक्ल देखो इसकी कितनी अच्छी आई है। नहीं नहीं अभी नहीं डाले अभी, ये इतनी देर ये ना एक काम करते हैं, इसको रख देते हैं, कल कल काम आ जाएगी हमारे ना, और किसी चीज़ में इस्तेमाल कर लेंगे, मतलब उसको और बना लेंगे फिर कभी। ओए होए, ओए होए, दिखाएं मैं जलता कहाँ से, दिखाएं जहाँ से मटेरियल ख़राब हुआ हुआ हमारा कुकर ख़राब कहाँ से हुआ। ओहो, यहाँ से ख़राब हो रहा हमारा कुकर। अरे यार क्या आया अम्मी, इस पर हरा धनिया तो डालो। ओह हो हो, सो गाइस हरा धनिया भी डल चुका है, अभी सारा ही डाल दें। वाह भाई वाह, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। ये शक्ल देखो आप कितनी अच्छी लग रही है इसकी यार, मज़े मज़ेदार की मैकरोनी है ये, मज़ेदार मैकरोनी है ये, मज़ेदार मैकरोनी है ये, मज़ेदार मैकरोनी है ये। और आप लोगों को मैं नहीं दूंगा क्योंकि आप लोग इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं हैं। बात तो सही है। तो गाइस देखो मैकरोनी देखो कितनी सारी और कितनी अच्छी बनी है। अब ये है कि मैं इसको निकालूंगा पहले अपनी प्लेट पे, उसके बाद फिर अम्मी की प्लेट पे, सॉरी पहले अम्मी की प्लेट में फिर अपनी प्लेट में। ओके ओके, सो गाइस सबसे पहले अम्मी की प्लेट में निकालेंगे हम। ओए होए, बस बस बस, अब आ गया हमारी प्लेट। मैं सब चीज़ें इधर से उधर कर रहा हूँ, मुझे इतनी ज़ोर की भूख लग रही है कि मैं बता नहीं सकता आप लोगों को कि मुझे कितनी भूख लग रही है, बहुत भूख लग रही है मुझे। कितनी अच्छी आई है, हैं कितनी मज़ेदार मैकरोनी लग रही है ये, और अम्मी की भी देखो सब, अरे ये तो सेम ही है ना, अलग अलग थोड़ी है। बात तो सही है। सो गाइस अब ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाह। नमक थोड़ा कम डाला नहीं, दूसरी दफा गिरा मैं, चटपटा है, बहुत मजे की बनी है। अभी थोड़ा सा इनको भी दे दूं जो देख रहे हैं, ये जो राज दबा करी है इनके। हाँ तो दे, खा सकते हो, खा लेंगे। दे देता हूँ थोड़ा सा, चलो आप दे रही, मैं दूं, नहीं तुम दे दो, मैं दे दूं, चलो एक इतनी सी दे देता हूँ, सही है, चलो आ करो इतनी गौर गौर से जो तुम देख रहे हो, तो आ तो करो, आ करो आ करो जल्दी से आ करो। अभी खाई नहीं रहा, नहीं खा रहा, मुंह नहीं है लग रहा इनके पास। चलो कोई बात नहीं, वो अपने घर में लाके खा लेंगे, बनाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरे बस कर दो, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा, कमेंट्स कर दिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने भाई को। ओके, आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है हमें। कल की खराश कल ही ख़त्म हुई है, और आज मैं फिर मसाले वाली मैकरोनी खा रहा हूँ, ऐसा हो दोबारा आ जाए। नहीं नहीं, इसमें कुछ ऐसी चीज़ डली नहीं है, काली मिर्च तो फ़ायदा करती गले के, इसमें है बस कर दो, क्या हो गया। काली मिर्च शहद में डाल के खांसी वासी में खाते हैं। अच्छा। काली मिर्च तो फायदेमंद चीज़ है, पता नहीं भाई। खैर अपना ख्याल रखिए गाइस, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, ये बोलती रहती है ऐसी। चलो चम्मच चाय बना के दूँ, चलो चलो चाय बना के दूँ तुम्हें।